जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसा सवाल लिया है, ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स को ये उलझा भी देता है, मतलब परेशान कर देता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सवाल क्या है, पहले सवाल को समझते हैं कि 6/7 से 7/8 कितना अधिक है। अब जिनको इसका थोड़ा सा नॉलेज होगा वो इसको कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने इसको थोड़ा सा भी अगर अलग तरीके से ट्रीट कर लिया तो ये सवाल उनको नहीं आ पाएगा, वो गलती कर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं और सीखते हैं कि भाई इस टाइप के जो सवाल हैं इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि भाई 6/7 से 7/8 जो है वो कितना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि सवाल आखिर बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार, 6/7 से 7/8 जो है वो कितना अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए, चाहे आप मन में भी सोच सकते हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। माना 6/7 से 7/8 जो है वो कितना है, x अधिक है, ठीक है। x अधिक है ये हमने मान लिया, ठीक है, x अधिक है। अब आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए 6/7 से 7/8 जो है वो x अधिक है। अब जब x अधिक होगा तो यदि हम इसमें x जोड़ दें तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है भाई, इससे ये x अधिक है तो अगर हम इसमें x जोड़ दें तो हमें ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को इसमें जोड़ देते हैं पहली वाली संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/7 + x = 7/8, ठीक है, समझ में आया। देखिए हमसे बोला गया है कि भाई 6/7 से 7/8 कितना है, x अधिक है, ये हमने मान लिया। अब यदि x अधिक है तो x को हम इधर जोड़ देते हैं तो ये इसके बराबर आना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकाल लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इधर भेज देते हैं और x को उधर भेज देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर x को यहीं रहने देते हैं उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो x को यहीं पर रहने देते हैं बराबर 7/8 और इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -6/7, ठीक है, क्लियर। अब 8 और 7 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 8 × 7 = 56 आ जाएगा इनका एलसीएम। अगर एलसीएम आपको निकालना नहीं आता है तो एलसीएम की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से एलसीएम निकालना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ गया है 56, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 से भाग लगाना है इसमें और जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो 8 का भाग लगाई कितनी बार जाएगा, 8 × 7 = 56, 7 बार। तो 7 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, तो ये हो गया 49। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया, ये जो संख्या है प्लस की है उस तरफ जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर है माइनस, ठीक है। तो ये 49 आ गया माइनस। अब 7 से भाग लगाइए 56 में कितनी बार जाएगा, 7 × 8 = 56, 8 बार जाएगा। तो 8 का गुणा ऊपर कर दीजिए 6 में, ठीक है, इसका भाग इसमें लगाए कितना आ गया 8, तो 8 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, 8 × 6 कितना हो जाएगा 48, तो ये हो गया 48, ठीक है। अब 49 में से 48 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/56, ठीक है, 1/56 आ जाएगा भाई, 49 में से 48 गए तो 1 बचा, 1/56, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब कि 6/7 से 7/8 जो है वो कितना अधिक है, 1/56 अधिक है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे निकल कर आ गई है 1/56, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए और कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5/4 से 4/5 कितना अधिक है। तो ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही तरीके से ये भी हल हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5/4 से 4/5 है वो कितना अधिक है, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई माना 5/4 से 4/5 जो है वो x अधिक है, ये हमने मान लिया, ठीक है, कि भाई
पाँच बटा चार जो है, पाँच बटा चार से चार बटा पाँच जो है वो कितना x अधिक है, ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब इससे ये x अधिक है तो x को हम इसमें जोड़ दें तो ये इसके बराबर आएगा। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, पाँच बटा चार x को इसमें जोड़ देते हैं प्लस x बराबर चार बटा पाँच, ठीक है। इससे ये x अधिक है इसलिए हमने इसमें x जोड़ दिया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि x जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देते हैं, इसको उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर चार बटा पाँच, ये इस तरफ भेज देते हैं, माइनस यहाँ पर आ जाएगा पाँच बटा चार, ठीक। चलिए अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा पाँच चौके बीस, बीस आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो पाँच से बीस में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, चार बार, तो जो चार आया है उसका गुणा यहाँ पर करेंगे, चार चौके कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा, ठीक है। अब चार से भाग लगाइए बीस में कितनी बार जाएगा, चार पंजे बीस पाँच बार, पाँच का गुणा ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा माइनस पच्चीस, ठीक है। अब सोलह माइनस पच्चीस कर दीजिए कितना हो जाएगा, सोलह में से पच्चीस जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, नौ बचेंगे और बटे में कितना है बीस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस के नौ बटे बीस, ठीक है। पाँच बटा चार से चार बटा पाँच कितना अधिक है, माइनस का नौ बटे बीस, ठीक है। माइनस के नौ बटे बीस इसमें जोड़ेंगे तब जाकर ये बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर भले ही अधिक बोला है लेकिन ये इससे कम है क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कम है लेकिन हमसे अधिक का बोला है तो ये इतना इतना उसमें जोड़ देंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस टाइप के जो सवाल हैं इनको हल किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।